सिचुएशन हुआ, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि वो मामा चाचा के घर जाएगा और कहीं ना कहीं करेगा और फिर मुझ पर अलग सी डांट पड़ेगी. तो आई थिंक ये ज़रूरी है, ये कॉन्वर्सेशन जो हम अपने बच्चों के साथ, शायद हमारे लिए भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा कुछ टॉपिक्स पर बात करना, लेकिन ये ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है. और मुझे लगता है एज अ पेरेंट ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हमें अपने बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यू नो वी हैव टू डिसेमिनेट दैट इन्फॉर्मेशन फॉर देम. वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि ये आपके उम्र के हिसाब से आपके लिए है नहीं है, ये कब इस्तेमाल होगा, ये आज के ज़माने के लिए, आज के ज़माने में शायद आपकी उम्र कम है, आपको लगता है कि आपके लिए है, लेकिन ये आपके लिए अभी के लिए नहीं है, ये बाद में के लिए है. अच्छी अच्छा है कि आपके पास है ये इन्फॉर्मेशन, बट यू मे बी यू नीड टू यूज इट लेटर ऑन इन लाइफ. How much of me? I think my personality is there for sure. But I think mostly Ila is a character. She's a force of nature. And pretty much what she thinks and what she says, वो जो भी सोच रही है कर रही है उसमें थोड़ी सी थोड़ा बहुत तो मैं हूँ, लेकिन I would say 80% Ila ही है. जैसे आजकल की लाइफ में सभी बिजी रहते हैं, घर पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, ऐसी कंडीशन में इनको किस तरह से टाइम नहीं मिलता. यू नो मुझे एक चीज़ मेरी माँ ने बचपन में बहुत बहुत ज़रूरी कही थी और उसके ऊपर उसे कायम भी रखा था. बचपन में उसने मुझे सच बताया था कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वान्टिटी. एंड आप जितना भी वक्त अपने बच्चों के साथ बिताओ, वेदर इट्स सैटरडे संडे और इट्स 20 मिनट्स एवरी इवनिंग, वो वक्त जो होना चाहिए वो उनके लिए ही होना चाहिए. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप उन पर उतना ध्यान दो, उन पर उतना अटेंशन दो. अगर वो 20 मिनट दिन के भी होंगे तो भी मुझे लगता है उन पर बहुत फर्क पड़ता है. आप एक टीचर बन के एक रूम में दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बच्चों के साथ जब बात कर रहे हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को भी फ्रेंडली रहना चाहिए? मैं कोई मैसेज नहीं दे रही थी, वो सिर्फ एक लाइन थी जो बहुत फनी सीन हो गया. लास्ट में आप दो लाइनें जो आपने दो गाने हम टीजर में भी देख रहे हैं गुनगुना रहे हैं इस टीजर को इस इंटरव्यू में गाना गाया अपनी ये दुनिया सारी, एक फटी पुरानी जीन्स और टी शर्ट बीटल्स वाली, एक चुंगम थी जिसकी घंटों तक चलती ही रहती थी है जुगारी. थैंक यू सो मच.